आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। कन्नौज में देवसा मंडलायुक्त और आईजी ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कन्नौज की सदरनामा नगर पालिका में पिछले चुनाव में हुए दंगे को देखते हुए आईजी इस बार सदर में पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने की बात कर रहे हैं। वहीं निर्वाचन में लगे अफसरों ने इस बार कन्नौज की सदर पालिका को अति संवेदनशील माना है। पिछले निकाय चुनाव से यहां वोटिंग को लेकर सांप्रदायिक तनाव हो गया था। कई इलाकों में फायरिंग और पथराव भी हुआ था। दबंगाइयों की गोली से एक शहरी घायल भी हो गया था। आईजी ने बताया कि पिछले बवाल को देखते हुए इस बार सदर में खास इंतजाम किए गए हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्स जो है लगाया गया है और इस तरह के जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और आगे भी आदेश ये दिया गया कि अगर जरा सी भी कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो बहुत सख्ती से उनके साथ पेश आएंगे। थाना अध्यक्ष हैं, उन सबको बस स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव के दिन किसी प्रकार की नरमी किसी के साथ ना बरतें, सख्ती से काम हो और किसी भी पार्टी किसी भी प्रत्याशी जैसे गलत कोई काम ना करें उसके लिए सतर्क दृष्टि रखें। आगे जो कार्रवाई बाकी है वो भी दिन दिन, अभी समय हमारे पास है, 4 दिन समय है, हम उसको पूरा कराएंगे और जो बाकी है, और यही उम्मीद है कि इस बार जो व्यवस्था है उसको देखते हुए इस तरह कोई बात ना हो। आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।